वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में, जहां पे ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट जो है एलिजिबल है। तो कंपनी का नाम है WBSEDSEL। इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं पहले। तो जो इसका फुल फॉर्म है आपका वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है। तो इसके रिगार्डिंग क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर, किस तरह का एग्जाम पैटर्न होगा और क्या और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वैकेंसी रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेम ऑफ पोस्ट की। तो यहाँ पे तीन तरह की पोस्ट आई हुई है, देखिए कौन कौन सी पोस्ट आई है। तो यहाँ पे जो है नॉन टेक्निकल पोस्ट है, पहली पोस्ट जो है आपका असिस्टेंट मैनेजर, दूसरी पोस्ट जो है आपका असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट, और तीसरी जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो ये जो है इसकी तीन वैकेंसीज है। इसके रिगार्डिंग जानते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज और एजुकेशन क्वालिफिक। तो सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर की, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 20 है, और यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ MBA। तो मतलब आपका ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन होना चाहिए और MBA साथ में होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं रखा गया है। देन दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट MBA डुअल डिग्री स्पेशलाइजेशन वाले हैं वो भी यहाँ पे अपेयर हैं, और वो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो फाइनल ईयर में अभी हैं और जिनका रिजल्ट जो है इंटरव्यू के टाइम जो है वो अपना रिजल्ट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं प्रोविजनल, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी देख लेते हैं कितनी रखी गई है। यहाँ पे जो सैलरी है आपका ग्रेड पे जो है आपका 5400 का है, यानी कि आपका लगभग जो है 60,000 मिनिमम सैलरी यहाँ पे बनेगी। तो बात करते हैं दूसरी पोस्ट की। तो दूसरी पोस्ट जो है आपका असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 27 है, और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन एंड पास्ट फाइनल एग्जामिनेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट के कैंडिडेट जो है यहाँ पे एलिजिबल है, और जो MBA और PGDM वाले हैं डुअल स्पेशलाइजेशन वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। देन यहाँ पे जो सैलरी है यहाँ पे भी सैलरी सेम रखी गई है आपका 5400, लगभग आपका 60,000 जो है इनिशियल सैलरी या मंथली सैलरी यहाँ पे बनेगी। अगली पोस्ट की बात करते हैं, तो अगली पोस्ट जो है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है आपका 34 है, और यहाँ पे जो है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस आइदर पास इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे जो है आपको ग्रेजुएट रहना होना पड़ेगा किसी भी डिसिप्लिन में, और साथ ही साथ आपको जो है चार्टर्ड अकाउंट से फाइनेंस डिपार्टमेंट में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैलरी रखी गई है आपका 4700 ग्रेड पे है यहाँ पे, तो इसका मतलब आपका लगभग यहाँ पे 50,000 की सैलरी यहाँ पे बनेगी। देन यहाँ पे जैसा कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, और ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये वेरी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि जो भी इसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, तो इसकी जो पोस्टिंग होगी आपका वेस्ट बंगाल में होगा, साफ साफ यहाँ पे मेंशन है, और जो कैंडिडेट जो डिस्टेंस लर्निंग से है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 27 साल रखी गई है, और मिनिमम जो है 18 साल रखी गई है, और जो कैंडिडेट वेस्ट बंगाल के हैं उनको जो है रिलेक्शन प्रोवाइड होगा अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी, लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है यहाँ पर उनको रिलेक्शन प्रोवाइड नहीं होगा, वो एज ए जनरल काउंट होंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो जॉब पोस्टिंग है आपका जो है वेस्ट बंगाल में ही होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है तीनों पोस्ट के लिए 400 रुपये रखा गया है, तो 400 रुपये जो है आपको ऑनलाइन या चालान के थ्रू आपको पे करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में जो है यहाँ पे तीन स्टेज है। पहला स्टेज जो है आपका रिटन टेस्ट होगा, देन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, देन तीसरा जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू। तो देखिए यहाँ पे रिटन टेस्ट के लिए मैं अभी थोड़ी देर में डिटेल सिलेबस बताऊँगा, मतलब डिटेल पैटर्न बताऊँगा। थोड़ा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में जान लेते हैं इसमें होगा क्या। तो जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें आपका MS ऑफिस से जितने MS वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट से मतलब आपका वहाँ पर दिया जाएगा बनाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका वहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो ये जो है सेकेंड स्टेज है, देन थर्ड स्टेज जो इसका पर्सनल इंटरव्यू है। अब हम बात करेंगे रिटन टेस्ट का क्या पैटर्न रहेगा, और ध्यान रखिएगा कि जो रिटन टेस्ट है और ये जो इंटरव्यू वगैरह है ये सारा चीज जो है आपका कोलकाता में ही ऑर्गेनाइज होगा, ओनली वन सेंटर इज देयर कोलकाता। तो रिटन टेस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए रिटन टेस्ट में जो है आपका MCQs क्वेश्चन रहेंगे, देन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, देन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो देखिए पहला जो रिटन टेस्ट है आपका MCQs जो है 120 मार्क्स का होगा, तो इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके जनरल अवेयरनेस से रहेंगे, रीडिंग्स रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रहेंगे,
इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में जिस फील्ड के लिए आप फिलअप कर रहे हो उस फील्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन यहाँ पे मार्क्स भी डिस्ट्रीब्यूट है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा 120 मिनट का एग्जाम होगा, एक ही दिन एग्जाम होगा। देन यहाँ पे आपका साथ ही साथ ये जब एक दो घंटे पूरे हो जाएंगे तो देन दूसरा जो एग्जाम है आपका रिटन टेस्ट होगा जो डिस्क्रिप्टिव बेसिस पर होगा, 20 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको ऐसे राइटिंग लिखना है इंग्लिश लैंग्वेज में। और ये जो है इसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। देन बात करते हैं अगला जैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए। देखिए जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा इसका जो है 20 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका, और इसके लिए जो है 30 मिनट्स दिए जाएंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके एमएस ऑफिस से, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट से क्वेश्चन रहेंगे। आपको जो है स्लाइड वगैरह और पावर पॉइंट में ये सभी चीज़ जो है बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है 20 मार्क्स रखे गए हैं। देन इसका जो आंसर शीट है, जो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका जो आंसर शीट है वो वेबसाइट पर 24 घंटे के अंदर जो है अपलोड कर दी जाएगी। देन अब बात करते हैं कि कितना मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम को। तो देखिए जो जनरल्स कैंडिडेट है उनके लिए 40%, जो एससी शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट है उनके लिए 35%, ओबीसी के लिए भी 35% रखा गया है, और जो एससी और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए 30% रखा गया है। अब हम बात करेंगे फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप जो है यहाँ वेबसाइट पे भी जा सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जो फॉर्म की लास्ट डेट है आपका 26 नवंबर जो है लास्ट डेट है, और ये जो फॉर्म है ये एक्टिवेट हो रहा है 3 नवंबर से। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप जो है इस नोटिफिकेशन को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट और या चैनल के लिस्ट में जाके काफ़ी सारे वीडियोस जो है अपलोड हैं, तो उन वीडियो को भी आप देख लें। सो फ्रेंड यहाँ से हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।